हेलो बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपकी लैटिट्यूड। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि बीच में हमारे इक्वेटर है। अब बीच वाले जो इक्वेटर है उसका नाम क्या है? ज़ीरो डिग्री इक्वेटर, ज़ीरो डिग्री इक्वेटर। अब जो हमारे ऐसे इमेजिनरी लाइन बन रही हैं इनका नाम मैंने क्या बताया था अभी? लेटी हुई हैं तो इनका नाम है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लाइन। बच्चे ऐसी नॉर्थ में होती हैं, ऐसी साउथ में होती हैं, फुली पूरी यानी कि नॉर्थ पोल तक और साउथ पोल तक इस तरीके से भरी हुई होती हैं। अरे कितनी होती हैं उनकी काउंटिंग भी हमें पता होनी चाहिए। तो बच्चों जो एक एक लाइन एक एक लैटिट्यूड की जो दूरी है मानो हमारी यहाँ से यहाँ तक, वो होती है हमारी 111 किलोमीटर, यानी कि 111 किलोमीटर की होती है एक लैटिट्यूड लाइन। यानी कि जो दो लैटिट्यूड लाइंस का डिफरेंस कितना होगा? 111 किलोमीटर होगा, जिससे क्या बनती है हमारी? एक डिग्री बनती है। क्या बनती है? 1 डिग्री। अब हम हमारी 1 डिग्री बनी, उसके बाद हमारी कितनी होती हैं नॉर्थ में और साउथ में? देखो बच्चों, नॉर्थ में भी 90 डिग्री होती हैं, इनकी 90 लाइंस होती हैं, और साउथ में भी कितनी होती हैं? 90 डिग्री होती हैं, यानी कि 90 लाइन होती हैं। ठीक, तो और एक हमारी बीच वाली होती है इक्वेटर, जिसका नाम क्या बताया? 0 डिग्री। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 0 डिग्री इक्वेटर, टोटल कितनी लैटिट्यूड हो गई है हमारी? 90 प्लस 90 कितनी होती हैं? 180 प्लस 1 = 181 डिग्री। यानी कि हमारी लैटिट्यूड लाइन कितनी है? टोटल 181 लाइंस हैं। ठीक, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, अब हमें इम्पोर्टेंट लाइन भी पता होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन सी हैं? इम्पोर्टेंट जो लाइन है हमारी लैटिट्यूड जो हैं वो हम देखेंगे इस पिक्चर में। देखो बच्चे, हमारे इक्वेटर, फिर इसके बाद क्या है इसके हमारी 1 2 3 4 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड होती हैं। बीच वाले इक्वेटर, अब हम पहले पढ़ेंगे नॉर्थ की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर उसके बाद आर्कटिक सर्कल। उसी तरीके से साउथ में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इक्वेटर से कितनी है? 23.5 नॉर्थ में, और जो आर्कटिक सर्कल है वो कितनी है? 66 नॉर्थ में। उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 इन साउथ, एंड आर्कटिक सर्कल कितनी है? 66 डिग्री साउथ। बच्चे आपको समझ में आ गई होंगी, आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों क्या होता है, जो हमारी गर्मी और सर्दी होती है वो भी इसी इन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, हम आपका पढ़ेंगे हीट जोन। ये भी आपके चैप्टर में दिए हुए हैं हीट जोन क्या क्या है। बच्चों आपके 3 टाइप के हीट जोन हैं। देखो बच्चों, जो इक्वेटर के पास जो जगह है यानी कि जो भी देश होंगे उनमें ज़्यादा गर्मी होगी। क्यों होगी ज़्यादा गर्मी वो हम अभी देखेंगे। देखो जो बीच वाला पोर्शन है, यानी कि कौन सा पोर्शन था? ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जो हमारी धूप होती है, सनरेज जो होती हैं वो हमारी एकदम इस वाले पोर्शन में एकदम सीधी पड़ती हैं। ठीक, तो इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, हमारा टॉरिड जोन है। उसके बाद ये हमारा है टेम्परेट जोन। यहाँ पे जो सनरेज होती हैं वो कैसी पड़ती हैं? वो तिरछी पड़ती हैं। जहाँ पे सनरेज जो तिरछी पड़ेंगी वहाँ जो है कम गर्मी होगी। ठीक, यहाँ पे हमारी कम गर्मी होती है। उसके बाद जो हमारा आर्कटिक है, आपका आर्कटिक सर्कल है और अंटार्कटिक सर्कल है ब्लू वाला, यहाँ पे गर्मी सबसे कम होती है क्योंकि यहाँ पे सनरेज पहुँच ही नहीं पाती हैं। तो ये आपका कैसा है? फ्रिज जोन है। ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे फ्रिज जोन। तो ये आपके जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं फ्रिज जोन है, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है अंटार्कटिक सर्कल में और आर्कटिक सर्कल में। आ रहा होगा बच्चों आपको समझ में?
ठीक है, अभी आपका लैटिट्यूड कंप्लीट हो चुके हैं, ये आप और अच्छे से पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे।